ओके, एमओसी की लार्वा पेट्रोमाइजोन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोमाइजोन कैसा होता है, उसकी कैसी संरचना होती है, अब हम पढ़ेंगे उसी की लार्वा को, दैट इज एमओसी लार्वा। ठीक है, पेट्रोमाइजोन का ही लार्वा है तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी संरचना किस प्रकार होती है और फिर बाद में उसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण से वो लार्वा जो है वो एडल्ट से वयस्क से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल। राइट, जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल में हम बोलेंगे कि वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है। राइट, तो सबसे पहले पेट्रोमाइजोन की ही बात करेंगे। हमने कहा था पेट्रोमाइजोन जब भी अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, तब वो नदियों की तरफ चले जाते हैं। वैसे वो कहाँ रहते हैं, मैराइन समुद्रों में रहते हैं। ठीक है, सी वाटर में वो रहते हैं और जब उन्हें ओविपोजिशन करना होता है, अंडों का उत्सर्जन करना होता है, उस टाइम पे वो रिवर की तरफ ट्रेवल करते हैं। अब रिवर में जाके वो अंडे देते हैं, तो सेकेंडली हम ये बोल सकते हैं कि सी से वो रिवर में जा रहे हैं जहां पर फ्रेश वाटर उपस्थित है, स्वच्छ जल उपस्थित रहता है और फ्रेश वाटर में वो एग ले करते हैं। अब सेकेंड चीज आती है कि एग लेइंग तो फ्रेश वाटर में हो रही है, रिवर्स के अंदर हो रही है, लेकिन ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक है निषेचन या बाह्य निषेचन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मेल्स हैं, जो इनके नर होंगे, वो मेल्स बकल फनल होती है, मुख कीप जो होती है उसके द्वारा फीमेल्स को पकड़ लेते हैं। राइट, इस मुख कीप के द्वारा फीमेल्स को उनके माउथ के पास से पकड़ लेते हैं और फिर फीमेल्स क्या करती हैं, इनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, इनमें जो मांसपेशियां उपस्थित होती हैं उनको संकुचित करके वहां से एग का निष्कासन करती है, एग को देती है, मींस ओव्यूलेशन क्रिया होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स से और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्लोका वाले भाग से एग ओविपोजिशन क्रिया होती है। राइट, ओविपोजिशन अंडे का उत्सर्जन और उसी टाइम पे मेल्स भी एग के ऊपर स्पर्म रिलीज करते हैं। ठीक है, इन दोनों में देन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद निषेचन हो जाता है। दैट इज, अब हम बोले कि ये एक्सटर्नल प्रकार का है, बाह्य प्रकार का निषेचन यहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड चीज हम ये भी बोलते हैं कि जब ये सी वाटर से रिवर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, दोनों फूड जो होता है वो बिल्कुल इनटेक करना छोड़ देते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहित करते ही नहीं है उस टाइम तक वो भूखे रहते। और जैसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, दैट मींस और उसके जस्ट बाद जब हम बोलेंगे तो क्या करते हैं, ये डाई हो जाते हैं। ठीक है, दोनों पेरेंट्स जो होते हैं, क्योंकि भोजन तो इन्होंने पहले ही लेना बंद कर दिया था, फूड इनटेक ऑलरेडी पहले ही खत्म हो गया था, तो उसके बाद स्पर्म एंड एग को ले करने के बाद, ठीक है, एक्सक्रीट करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग यहाँ देखने को हमें मिलती है कि जब हम बोल रहे हैं कि ये एग ले कर रहे हैं तो एग ले ये कहाँ कर रहे हैं, रिवर्स में कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स में किस जगह पर कर रहे हैं, नीचे जो तल होता है वहां पर करते हैं, वहां से बिल्कुल पत्थर हटा हटा के पेबल्स पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पड़े रहते हैं नीचे की तरफ, उनको हटा के एक गड्ढा बना लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर ही फीमेल एग ले करती है। तो ये काम मोस्टली नर करता है, मेल करता है कि एक पिट का निर्माण करता है। राइट, एक गड्ढे का निर्माण करता है और उस गड्ढे में ही एग ले जाता। और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एग जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 0.15 mm डायमीटर के होते हैं,
15 ml, तो इतने छोटे होते हैं ताकि वो पानी के साथ बह नहीं जाए, इसलिए इनके ऊपर जो कीचड़ होता है, जो गंदगी होती है, उसको भी इनके ऊपर डाला जाता है पेरेंट्स के द्वारा, कि जो पेरेंट्स उनके द्वारा वो ढक देते हैं एग्स को, ताकि वो डायरेक्ट वाटर के बहाव में कहीं इधर उधर ना जाए। तो ये पूरी क्रिया होती है और ये लाइफ साइकिल इस तरह से चलती है और ये यहाँ पर डाई कर जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इनकी हैबिटेट, हैबिटेट की, कि इनका आवास कैसा होता है और ये कैसा नेचर रखते हैं। लाइफ साइकिल तो एक तरह से जीवन चक्र हो गया कि किस तरह से एग्री कर रहे हैं, और देन हैबिटेट, हैबिटेट आवास एवं स्वभाव। तो जब हम आवास की बात कर रहे हैं, कहां पर एक किए गए थे, रिवर्स में, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश वाटर में एग्री किए गए थे। अब ये एग पिट्स में थे, तो पिट्स से ये एग बाहर की तरफ भी आएंगे, और बाहर की तरफ हम मान के चलते हैं 3 से 4 वीक्स में, 3 से 4 सप्ताह में हैच हो जाते हैं, ठीक है। हैचिंग की क्रिया 3 से 4 सप्ताह में हो जाती है, बाहर आते हैं लार्वा, राइट। वो जो लार्वा आते हैं, क्योंकि हमने बोला ये 0.15 एमएम के आसपास होंगे, और वो जो लार्वा बाहर निकलते हैं वो 7 एमएम के आसपास हो सकते हैं, जो बाद में साइज बढ़कर इनकी और बढ़ सकती है, राइट। और एनलार्ज में हो सकते। सेकंड चीज कि अभी तक ये पिट में थे, गड्ढों में थे, अब क्या करेंगे, ये जो लार्वा हैं, ये लार्वा बरोस बनाएंगे, बिल बनाएंगे, और उन बिल्स के अंदर, इन बरोस के अंदर ही रहेंगे, राइट। और वो बरोस जो होती हैं, यू या वी आकार की हो सकती हैं, इनमें से किसी भी संरचना की बरो वो बना सकते हैं, उसके अंदर ही वो मोस्टली प्रिफर करते रहे। जब भी फूड इंटेक करना होता है लार्वा को, तो फूड इंटेक करने के लिए दिन भर तो बरो में रहेंगे, बिल में रहते हैं, बिल काले होते हैं, और फिर जब रात का टाइम आएगा, नाइट टाइम आएगा, रात के समय में ये भोजन के लिए बाहर निकलेंगे, ठीक है। भोजन रात को ही ग्रहण करते हैं और अपना आवास जो है, हैबिटेट जो है, वो चेंज करते हैं। सारा काम कहाँ हो रहा है, रिवर के अंदर ही चल रहा है। तो हम बोलेंगे कि नाइट में फूड लेते हैं, ठीक है, फूड इंटेक की क्रिया इनकी मोस्ट प्रोबेबली रात्रि में ही होती है। अब हमने बोला 7 एमएम तक साइज के हो सकते हैं, धीरे धीरे ये क्या होंगे, 15 एमएम और फिर 15 सेंटीमीटर तक साइज के भी हो सकते हैं, कि जब वयस्क बनेंगे, एडल्ट्स बनेंगे, तो 15 सेंटीमीटर तक साइज के हो सकते हैं, कायांतरण होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। एक और चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि जब ये वयस्क लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होंगे, तो हम मान के चलते हैं कि लार्वा से एडल्ट में परिवर्तित होने के लिए इन्हें 3 से 7 साल लग सकते, 3 से 7, 3 से 8 साल ये लेते हैं लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होने के लिए। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम बोल रहे हैं कि लार्वा से वयस्क में चेंज होते हैं और ये सी की तरफ ट्रैवल करने लग जाते हैं, राइट। इनकी ट्रैवलिंग समुद्र की तरफ होने लग जाती है, ये समुद्री जीव है, वही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इनके अंदर पूरी मेच्योरिटी आ जाती है, पूरे मेच्योर हो जाते हैं, वयस्क बन जाते, ठीक है, परिपक्व हो जाते हैं, राइट। लेकिन जो हम गोनाड्स की मैच्योरिटी की बात करते हैं, जनन अंग की मैच्योरिटी की, वो परिपक्व कब होगी, जब ये वापस रिवर की तरफ आएंगे एग ले करने के, तभी हम देखेंगे कि गोनाड्स मैच्योर होते हैं, ठीक है। गोनाड्स जो है वो तभी परिपक्व होते हैं जब वो वापस से नदियों में आएंगे एग ले करने के लिए, एग को रिलीज करने के लिए, ओव्यूलेशन की क्रिया को करने के लिए, राइट। तो उस समय पे इनके जननांग परिपक्व होते हैं।
वरना वैसे वो मैच्योर होके यहाँ पर सी वाटर में, समुद्री जल में इजीली रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका हैबिट एंड हैबिटेट होता है, कैसे वो रह रहे हैं और कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को देख सकते हैं कि लार्वा में हमें कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह ये उपस्थित रहते हैं, लक्षण या कैरेक्टर्स ऑफ लार्वा। लार्वा का नेम होता है एमोसीज लार्वा। लार्वा की संरचना हमें थोड़ी सी वयस्क से डिफरेंट दिखेगी। इस तरह की संरचना होती है, ये हो गए गिल्सलेट्स, ठीक राइट, ये हो गया ओरल हुड, मुख छत, ये हो गया अपर लिप, ऊपरी ओष्ठ, ये हो गया लोअर लिप, निचला ओष्ठ, यहां होगा स्टोनियम माउथ वाला पोर्शन जहां पर मुख होता है। ठीक है, ये है रुडिमेंट्री आई, ठीक है, एक ही आंख यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, वो भी रुडिमेंट्री फॉर्म में है, दैट मींस अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, सब परिवर्तन अभी नहीं हुआ। यहाँ है नोस्ट्रिल जो कि मध्य भाग में ना होके साइड में है, ऊपर की तरफ सतह पर। ये है डॉर्सल फिन, ठीक, और ये है कॉडल फिन। ठीक है, इस तरह की संरचना हमें बाहर से देखने को मिली। तो ये हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाह्य संरचना है लार्वा की। अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो वो थोड़ी सी से डिटेल में होगी, इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में लीजिए।
सारे गिल्स वाले भाग है जो गिल बना रहे हैं। इस प्रकार की संरचना कुछ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये है मायोटोम्स, ये है डॉर्सल फिन, ठीक है, पृष्ठ सतह पर ये कोडल फिन है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो आई है, डिपिट्री, नोस्ट्रल है, ठीक, और ये है हमारी नर्व कोर्ड, और इसके नीचे जस्ट है मोटो कोर्ड, ठीक है। और फिर यहां हम बात करेंगे तो माउथ वाला भाग, ठीक है, माइटम्स मसल्स हो गई, ये गिल्स हो गए, ठीक है, यही पे भाग जो होगा वो फेरिंग्स भाग कहलाएगा, फेरिंग्स के बाद ये इसोफेगस भाग, ये स्टमक अमाशय, ठीक, ये इंटेस्टाइन हो जाएगी, आंत्र हो जाएगी, यहाँ वाला भाग एनस कहलाएगा, क्लोका हो जाएगा, एनस हो जाएगी, इस तरह रीजन से यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ये हार्ट हो जाएगा, हृदय, ये हो जाएगा इसका डॉर्सल एओर्टा, और ये नीचे वाला जो है वहां पर यहाँ हो जाएगा वेंट्रल एओर्टा, ठीक। यहाँ पे स्टमक के आसपास हम देखेंगे ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर हो जाएगा, पित्ताशय, और यहाँ पे कहीं पैंक्रियास भी उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है लार्वा के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लार्वा, दैट इज आंतरिक संरचना है। तो ये ओरल वुड की बात हुई, मुख कैसा होगा वेंट्रल अधर भाग में।
अधर भाग। ठीक, नट टीथ है, नट टंग है वहां पर, और इसकी बॉडी कैसी होगी, वॉर्म लाइक। ठीक है, जैसी वॉर्म्स की बॉडी होती है वैसी ही इसकी बॉडी होगी, वॉर्म के प्रकार की। फिर हम बात करेंगे इसकी आईज की। ठीक है, आईज में जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एंडोस्टाइल भाग भी देखने को मिले। तो आईज की जो हम बात करते हैं, हम बोल रहे हैं रुडिमेंट्री प्रकार की आईज है। दैट मींस एक तो सिंगल आई है, और सेकेंड चीज हमें ये भी देखने को यहाँ मिल रही है कि ये रुडिमेंट्री है, मतलब आई जो है वो वेल डेवलप नहीं है, अविकसित है। तो हम बोल सकते हैं कि अनडेवलप्ड। ठीक है, और साथ ही इन्हें देखने को नहीं मिलता, ये बिल्कुल हम बोल सकते हैं ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, क्योंकि नेत्र यहाँ पर विकसित हुए नहीं। नेत्र की बात करेंगे, नॉस्ट्रल की बात, नॉस्ट्रल भाग की, तो नॉस्ट्रल भाग में हम देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मली नासा छिद्र जो होता है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ वेंट्रल भाग में उपस्थित है, राइट। तो इसका ज्यादा फंक्शन यहाँ पर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल्स की। तो मसल्स जो मांसपेशियां है वो भी बॉडी में हम देखें वो बहुत कई कई जगह पर होती, आंखों के आसपास, नॉस्ट्रल, नासा छिद्र के आसपास, यहाँ पर मायोक्रोम्स प्रेजेंट है। तो नसल्स भी इतनी वेल डेवलप नहीं है, सुविकसित नहीं है, अविकसित प्रकार की मसल्स यहाँ हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक और संरचना उपस्थित रहती है जिसे हम बोलते हैं वीलम। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये वीलम फूड को अंदर नहीं जाने देता, एक बार के लिए रोक कर रखता है। पानी जो होता है, वॉटर जो होता है, वो भी गिल्स में जाता है, तो गिल्स तक वॉटर को आसानी से लेकर जाता है। तो ये वीलम संरचना भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो जब हम अब एलिमेंट्री किनाल की, आहार नाल की बात करते हैं, तो आहार नाल में हम देखते हैं कि यहाँ पर माउथ है, माउथ के जस्ट बाद में वीलम जैसी संरचना है, और वीलम जैसी संरचना के बाद में ये फेरिंग्स, गिल्स जो है वो बस। तो हम देख सकते हैं माउथ, क्योंकि ओरल हुड के द्वारा खुल रहा है, फिर माउथ के बाद वीलम, वीलम के जस्ट नीचे की तरफ एंडोस्टाइल उपस्थित है। एंडोस्टाइल के आसपास पेरिफेरेंशियल बैंड्स भी उपस्थित रहेंगे, इट मींस फेरिंग्स की बेल्टनुमा आकृति जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहती है लार्वा। ठीक है, पेरिफेरेंशियल बैंड्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गिल्स हैं जो कि 7 राइट, 7 जो भी गिल्स उपस्थित होंगे, 7 होंगे गिल्स, और फिर लास्ट में हम बोलेंगे वही स्टमक, ईसोफेगस, ईसोफेगस उपस्थित होगी, अमाशय उपस्थित होगा, इंटेस्टाइन उपस्थित होगी, और लास्ट में ये खुलेगा क्लोर। तो इस तरह की एलिमेंट्री के नाम यहाँ देखने को मिले। तो एंडोस्टाइल भी यहाँ पे है, बहुत सुविकसित है, इसी के साथ गिल्स भी यहाँ पर उपस्थित है, गिल्स इतने ज्यादा विकसित नहीं हो। ठीक, तो ये थी एलिमेंट्री के नाम की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर भोजन लेने की क्रिया की। तो भोजन क्रिया क्या होगी, माउथ, मुख और वीलम भाग पे कुछ स्पर्शक उपस्थित होंगे, माउथ और वीलम। ठीक है, टेंटिकल्स उपस्थित होंगे, उन टेंटिकल्स के द्वारा जो वाटर है, जल है, वो अंदर की तरफ धारा से, जल धारा के साथ अंदर आ सकते। सेकेंडली दूसरी बात ये है कि इनका जो भोज्य पदार्थ होता है ये हर्बीवोर प्रकार के, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करते हैं, क्या खा सकते हैं, ये बैक्टीरिया एंड एल्गी को ही ले सकते हैं,
विकसित दिख रही है। ठीक है, जब हम किडनीज की बात करते हैं, किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की कि जिनके द्वारा उत्सर्जन हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोनेफ्रोस प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, इनके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इनके फिन की। जो फिन है वो अनडेवलप्ड प्रकार का होता है, वहां पर डिफरेंशिएशन भी नहीं होता, दैट मींस वहां पर अभी तक कोई विभेदन नहीं हुआ है और फिन एक मिड डॉर्सल फिन के वे में ही उपस्थित रहता है, जिसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फिन है वो एक सिंगल फिन, एक अकेले फिन की तरह मिड डॉर्सल पृष्ठ सतह पर बीच में उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से फिन रूपी संरचना यहाँ पर उपस्थित रहती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमने देखा कि नोटोकॉर्ड भी उपस्थित है और नर्व कॉर्ड भी ऊपर की तरह उपस्थित रहती है। इसी के साथ हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पर लिवर, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय और इसी के साथ हेपेटिक वेन्स जो होंगी या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होगा, जो कि लिवर से संबंधित है, वो भी यहाँ उपस्थित रहता है। ठीक है, ये सिस्टम उपस्थित रहता है और इसी के साथ पेंक्रियाज भी यहाँ उपस्थित रहते हैं लार्वा अवस्था। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें नॉर्मल देखने को मिल रही है कि किस तरह से ये रहते हैं। सेकेंड चीज, जो हम बोलते हैं कि एग से लार्वा बन रहा है, तो लार्वा जो होता है वो होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो होगा, क्लीवेज जो होता है, वो होलोब्लास्टिक कंप्लीट प्रकार का होता है। और जो एग्स होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, मीजोलेसिकल प्रकार के। ठीक, जिनमें जो योग है वो मध्यम की कहते हैं हम, दैट मींस योग की जो मात्रा है बिल्कुल मध्यम प्रकार की उपस्थित रहती है। और यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रोमोडियम भी उपस्थित है और इसके साथ अपर लिप और लोअर लिप जैसी संरचनाएं भी उपस्थित है। तो ये है हमारे लार्वा के लक्षण, किस प्रकार से लार्वा हमारा उपस्थित रहते हैं। अब हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस का यंत्रण किस प्रकार से हो रहा है। कि इसी संरचना के साथ देखें तो ज्यादा अच्छे से हमें चीजें समझ आएंगी। ठीक, जब कायंत्रण की बात करते हैं तो हम मुख से ही लेते हैं बात। यहाँ पर क्या होगा, ओरल गुड था यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अब बकल फनल का निर्माण हो जाएगा, बकल फनल मुख की का निर्माण हो जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर सक्कर, चूषक, ओरल सीराय, ये सारी संरचनाएं हम पढ़ चुके। टीथ, टंग, ये सब भी और डेवलप्ड हो जाए। ठीक है, इनका निर्माण और सुविकसित प्रकार से हो। इसी के साथ यहाँ पर मसल्स जो हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, उन सबका भी फुल निर्माण हो जाएगा, सुविकसित प्रकार की हो जाएगी ये और डेवलप्ड हो जाएगी। जिन्हें हमने पढ़ा था प्रोट्रैक्टर, रिट्रैक्टर मसल्स, टंग को बाहर डालने वाली, टंग को अंदर ले जाने वाली, इसी के साथ यहाँ पर जो माउथ है वो सर्कुलर प्रकार का हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उन्हें नाम देते हैं साइक्लोस्टोमे। ठीक, माउथ सर्कुलर वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक, इसी के बाद वीलम संरचना में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, गिल्स की संरचना में हमें फर्क दिखेगा। जो गिल्स होंगे वो सेवन में है, सेवन पेयर्स में उपस्थित हैं और इनमें गिल पाउचेस का भी, गिल सैक्स का भी निर्माण हो जाएगा और इसी के साथ गिल स्लिट्स भी बन जाएगी। ठीक है, गिल स्लिट्स का भी निर्माण ये करने लग जाएगा।
तो वो पीले भूरे रंग से ग्रीन ब्राउन हरे भूरे रंग का परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, स्किन में भी चेंजेस आ गए, गिल्स में भी चेंजेस आ गए, नीचे जो एंडोस्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगी, थोड़ी और वेल डेवलप हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और फेरिक्स भाग जो है वो भी और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। रस्सी भाग किसमें? एडल्ट वयस्क। अब हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट भी वही रहेगा, पेरिकार्डियम भी वही रहेगी, और ये इसमें भी डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, ये भी सुविकसित होने लगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गॉल ब्लैडर की, इनकी पैंक्रियास की, तो यहाँ पर भी हमें चेंज दिखेगा। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पैंक्रियास और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या लिवर से रिलेटेड जो सिस्टम होगा वो हमें देखने को मिलेगा कि वो एक तरह से हट चुका है, रिमूव हो चुका है, या उसका हम बोल सकते हैं कि वो उपस्थित ही नहीं है वयस्क में। ठीक है, दारों में उपस्थित होता था लेकिन वयस्क में आते आते ये उपस्थित नहीं है। टीथ किस प्रकार के हो जाएंगे? दांत बिल्कुल हम बोल सकते हैं तीखे नुकीले दांत हो जाएंगे, जिसके कारण इनका जो फूड लेने का इंटेक का तरीका होगा वो कार्निवोरस हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएंगे, और छोटे छोटे जानवरों को ये भी खा सकते हैं दांतों के द्वारा, ठीक है, चीर फाड़ करके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखेगा हमें, ठीक है, इंटेस्टाइन वैसी रहेगी, कॉर्डल फिन वैसा बना रहेगा, लेकिन फिन पे हमें एक और चेंज जो देखने को मिलेगा वो होगा डॉर्सल फिन। ठीक है, डॉर्सल फिन जो है अब डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसमें विभेदन हो जाएगा। ठीक है, और ये दो प्रकार के फिन में डेवलप हो जाएगा, फर्स्ट डॉर्सल और सेकेंड डॉर्सल। ठीक है, पहला पृष्ठ फिन और दूसरा पृष्ठ फिन, इन दोनों में अलग अलग प्रकार में विभेदित हो जाता है वयस्क में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किडनीज की, इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, वो प्रोनेफ्रोस से मेटानेफ्रोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इनमें कार्यक्रम होता है, चेंज होता है, बदलाव होता है, जिससे मेटानेफ्रोस में ये परिवर्तित हो जाते हैं। मुख जो होगा वो वेंट्रल सतह पर ही रहेगा, मुख माउथ, और सर्कुलर प्रकार का है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईज की, तो आंखें जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, और इसी के साथ साथ इजीली देख भी पाएंगे, इनकी जो विजिबिलिटी है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ इनकी जो टेल भाग है वहां पर हमें फोटो सेंसिटिव कोशिकाएं देखने को मिलती है, जहां से पता चल सकता है कि ये जो है इनकी टेल में प्रकाश संग्रही कोशिकाएं हैं, जिससे प्रकाश उन्हें पहुंचाया जा सके, ठीक है, लाइट उन तक पहुंचाई जा सके। इसके बाद बात करेंगे नॉस्ट्रल की, तो नॉस्ट्रल को हम बोलते हैं कि नॉस्ट्रल भी यहाँ पर वेल डेवलप हो जाएगी, सुविकसित हो जाएगी, और इसमें नेसोफेरिंजियल भाग जो होगा वो और ज्यादा सुविकसित हो जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी, और सेंटर में आने के साथ साथ वो लंबी भी हो जाएगी। जैसे हमने संरचना देखी तो इस प्रकार से दोनों आईज यहाँ पर थी और यहाँ हमें नॉस्ट्रल भाग देखने को मिला था, तो मीडियल पोजिशन में, बिल्कुल मध्य पोजिशन में, मध्य भाग में ये आ जाती है। ठीक है, नेसोफेरिंजियल चैम्बर के रूप में उपस्थित है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? मैच्योरिटी की, परिपक्वता की, तो ये मैच्योर कब होंगे? जब ये वापस लिवर में आएंगे, गोनाड्स, तब ही मैच्योर
मेच्योर, जननांग जो होंगे उनका मेच्योरेशन तभी होगा जब ये वापस से रिवर्ट करेंगे। ठीक है, बाकी पूरी संरचना हमने पढ़ ली, किस तरह से इनमें मेटामॉर्फोसिस हुआ, कार्डियोट्रेन हुआ, और ये कैसे ये जंतु जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, एडल्ट में बदल लेते हैं। जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि एमोसिट लार्वा का महत्व क्या होता है, तो एमोसिट लार्वा को हम एक तरह से बोल सकते हैं किसका लार्वा है, पेट्रोमाइसोन का लार्वा है, और पेट्रोमाइसोन की क्लास हम बोलते हैं साइक्लोस्ट्रोमेटा। तो हम एमोसिट लार्वा को एम्फियोक्सिस और साइक्लोस्ट्रोमेटा का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं कि दोनों के बीच की ये कड़ी है, एक एम्फियोक्सिस है ठीक है और एक तरफ साइक्लोस्ट्रोमेटा है, तो उन दोनों के बीच को, उन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच की जो कड़ी है उसे हम मानते हैं एमोसिट लार्वा, कि ये कनेक्टिंग लिंक की तरह उपस्थित है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं एम्फियोक्सिस से और उसको हम डिसिमिलराइज करते हैं पिट्रोमाइसोन से, तो हम कुछ कैरेक्टर उसको, कुछ लक्षणों को वहां देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं होमोलोग क्या है इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या समानता है, हम क्यों कह रहे हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक हो सकता है। जैसे अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे एम्फियोक्सिस के साथ, समानताओं की बात करते हैं, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है एम्फियोक्सिस में भी ओरल गुड उपस्थित है ठीक है, और यहाँ पर भी मुखच्छद जो है उपस्थित है। इसी के साथ यहाँ पर भी हम देखेंगे वीलम जैसी संरचना दोनों में उपस्थित रहती है, और बकल टेंटिकल्स जो होते हैं मुख में जो टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं वो दोनों में उपस्थित रहते हैं। ये कुछ सिमिलैरिटी हुई ठीक है। इसी के साथ हम बोलेंगे अनपेयर्ड या अयुग्मित फिन्स जो होते हैं ये भी दोनों में उपस्थित रहते हैं ठीक है, दोनों में समानताएं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों की बॉडी कैसी है, फिश लाइक बॉडी दोनों में उपस्थित है ठीक है, एक फिश लाइक बॉडी उपस्थित है। इसी के साथ हम ये मान के चलते हैं कि दोनों की जो एलिमेंट्री किनारे है, आहार नाल है, वो एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी आहार नाल दोनों में उपस्थित है, और इसी के साथ ज्यादा आहार नाल में डिफ्रेंसिएशन भी नहीं है, विभेदन भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता आहार नाल के ठीक है। जब हम इनकी आईज की बात करते हैं तो आईज दोनों में ही ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, मींस एक तरह से रिड्यूस्ड फॉर्म में उपस्थित रहती है, बलनों के कारण आईज का आकुंभन निर्माण होता है। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं एम्फियोक्सिस के साथ कि किस प्रकार से ये उपस्थित है। सी के साथ हम बोलते हैं कि एंडोस्टाइल और पेरिफेरेंजियल ग्रुप जो होते परिग्रसनी खांच वो भी इनके अंदर दोनों में उपस्थित रहती है ठीक। और एंडोस्टाइल का कार्य दोनों में ही क्या रहता है, दोनों में ही एंडोस्टाइल क्या करती है, डाइजेशन में, पाचन क्रिया में कार्य करेगी ठीक। इसी के साथ गिल्स की जो हम बात करते हैं, जो गिल्स हैं उनका कार्य यहाँ पर कैसा रहता है, रेस्पिरेशन की तरह कार्य करते हैं, श्वसन की तरह कार्य करते हैं, और यहाँ पर दोनों में ही गिल्स जो होते हैं वो यहाँ तक वाटर लाते हैं और ऑक्सीजन का एक्सचेंज या गैसेस का एक्सचेंज कराते हैं। और गिल्स में हम बात करेंगे तो गिल्स भोजन का भी यहाँ पर संवहन करते हैं, थोड़ा सा पाचन क्रिया में भी मदद कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पर इस सिमिलैरिटीज की पेट्रोमाइसोन के साथ इसकी क्या डिसिमिलैरिटीज हो सकती हैं एमोसिट लार्वा की, है पेट्रोमाइसोन का ही लार्वा लेकिन क्या डिसिमिलैरिटीज यहाँ उपस्थित है। तो डिसिमिलैरिटीज में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आईज में डिसिमिलैरिटी देखने को मिलती है, पहले रिड्यूस्ड होती है और बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चली जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जटिल अवस्था में चली जाती है, और इसीलिए वहां से
देख सकते हैं। वहीं अब मांसपेशियों की बात करेंगे तो मसल्स भी बाद में जाकर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल संरचनाओं में बदल जाती है। वहीं हम नेक्स्ट बात करेंगे लिवर और हेपेटिक डक्ट की, ठीक है, तो इन दोनों में भी बाद में जाके ये क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, थोड़े अल्प विकसित हो जाते हैं, पहले बहुत ज्यादा अच्छे से विकसित होते हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है वो बिल्कुल ही पहले तो उपस्थित रहता है और बाद में जाते जाते ये ह्रासित हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। और क्या डिसिमिलैरिटी देखने को मिली कि मीडियन डॉर्सल फिन या मिड डॉर्सल फिन एक ही होता है पहले और फिर बाद में ये दो फिन के अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड पृष्ठ फिन में ये परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस हो जाते हैं फिन्स वाले। पहले हम बोल रहे थे कि ये बिल्कुल एक सिंगल फिन की तरह होता है, बाद में दो फिन का निर्माण हो जाता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस वे में उपस्थित हो जाते हैं बाद। इसके अलावा नोस्ट्रल भाग में भी हमें परिवर्तन देखने को मिले, राइट, बिल्कुल मिड में आ जाती है बाद में नोस्ट्रल भाग, जिसे हम नेसोफेरिंजियल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पेट्रोमाइक्रॉन से डिसिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। एक चीज और जो देखने को मिलेगी वो ये है कि ओरल कुंड जो है वो बक्कल फंडल में परिवर्तित हो जाए, और यहाँ पर पहले टीथ नहीं थे और वो टीथ अब डेवलप्ड हो जाएंगे। जॉस भी पहले डेवलप नहीं थे, सुविकसित नहीं थे, और ये बाद में जॉस जो है, जबड़े जो है वो भी वहां पर जाके सुविकसित हो जाते। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो एम्फियोक्सिस और पेट्रोमाइजोन के बीच का कनेक्टिंग लिंक एमोसी लार्वा हो सकता है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स से मिलते जुलते से दिखाई देते। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें पोजीशन ऑफ पेट्रोमाइजोन की, पेट्रोमाइजोन की पोजीशन क्या है। कहां पर उपस्थित है, किस तरह से उपस्थित है, तो पोजिशन ऑफ पेट्रोमाइसोन, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की, आदिम प्रकार के कैरेक्टर्स, दूसरे हम बात करेंगे इसमें एडवांस्ड प्रकार के कैरेक्टर्स, उन्नत लक्षण, ठीक है। तो जब हम प्रिमिटिव प्रकार के कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोल के चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, पूरी जो बॉडी है अंदर से आहार नाल सीलिएटेड प्रकार की है, सीलिया उपस्थित हैं। इसी के साथ इसमें आहार नाल जो है, एलिमेंट्री के नाल जो है वो कैसी है, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी आहार नाल उपस्थित, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे किडनी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ब्रिक की जो वाहिनियां होती हैं वो अनुपस्थित रहती हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं देखी जाती, ठीक है। इसी के साथ हम बोलेंगे कि पूरा सीलिएटेड तो है, स्ट्रेट भी है आहार नाल, पर यहाँ पर बक्कल टेंटिकल्स भी उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है। मुख में टेंटिकल्स की उपस्थिति देखी जा सकती है। इसी के साथ अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलते हैं, अयुग्मित प्रकार के फिन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रिमिटिव प्रकार का वो एक कैरेक्टर, क्योंकि जैसे जैसे फिशेस जो है वो बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं वहां पर कि जो फिन्स होते हैं वो पेयर देखने को मिलते हैं, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, ठीक है, वो सब भी देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर अनपेयर्ड प्रकार के फिन्स ही देखने को मिलते हैं। गोनाड्स की जब हम बात करते हैं तो वो
मैच्योर धीरे धीरे होते हैं और इनमें गोनोडक्ट्स का अभाव होता है, गोनोडक्ट्स उपस्थित नहीं होते। तो ये एक प्रकार का आदिम कैरेक्टर हुआ, इनमें गोनोडक्ट्स की उपस्थिति देखने को नहीं होती। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आईज जो है इनकी वो बहुत ज्यादा वेलडेवलप नहीं है, बहुत ज्यादा सुविकसित प्रकार की नहीं है, ठीक है। तो आईज के कारण, आंखों के कारण भी ये कुछ क्रिप्टिक कैरेक्टर रखते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो वो भी ज्यादा विभेदित नहीं है, और उनमें जो वर्टिब्रा है वो उपस्थित तो है, पर उन वर्टिब्रा में ज्यादा डिविजन या डिफ्रेंसिएशन भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। विभेदन ज्यादा देखने को हमें यहाँ पर नहीं मिलता। तो इस प्रकार ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स रखते हैं। तो जब हम उन्नत कैरेक्टर्स की, उन्नत लक्षण की बात करते हैं, एडवांस कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ हमें कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक। अगर हम बात करें तो हमें नोस्ट्रल भाग जो है वो भी यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, और बहुत वेल डेवलप्ड सुविकसित प्रकार का। इसी के साथ मोटो कॉर्ड और नर्व कॉर्ड की उपस्थिति भी यहाँ देखने को मिलती है, ठीक। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है, और उसमें वर्टिब्रा भी उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि वर्टिब्रा की उपस्थिति देखने को ना मिले। जो मायोटोम्स हैं, इसमें मसल्स जो हैं, वो भी वेल डेवलप्ड हैं, बहुत सुविकसित हैं और ई प्रकार की शेप में उपस्थित रहते हैं। मतलब यहाँ मसल्स का भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जॉस जो हैं, वो अनुपस्थित हैं, ठीक है, बहुत अच्छे सुविकसित प्रकार के नहीं। और यहाँ बात करेंगे टीथ की, तो टीथ है। इसी के साथ टंग में भी टीथ उपस्थित है, ठीक है, जो क्या करेंगे, जानवर को रेंगने का कार्य करते हैं। किसी जानवर को अगर उससे ब्लड लेना हो तो वहां से उन टीथ के द्वारा ये इजीली ले सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस है, स्किन है, वो मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है। ऊपरी त्वचा जो है वो बहुत उसमें विभाजन होता है, तो ये मल्टी लेयर इसकी एक प्रकार का इनका एडवांस्ड कैरेक्टर हुआ, ठीक। इसी के साथ हम देखने को मिलता है कि ये जो है जंतु, इनमें मीजोनेफ्रिक किडनीज देखने को मिलती है। मृत जो होते हैं मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं, वो भी एक प्रकार का एडवांस्ड कैरेक्टर, उन्नत कैरेक्टर की श्रेणी में आता है कि मीजोनेफ्रिक किडनीज यहाँ देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सारे उन्नत प्रकार के कैरेक्टर्स। एक और चीज जो खास यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि हाइपोफाइसियल सिस्टम जो होता है वो यहाँ देखने को मिलता है। इसी के साथ जब हम ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन में हमें ब्रेन उपस्थित रहता है, ठीक है। ब्रेन उपस्थित होना सुविकसित तो नहीं है, लेकिन ब्रेन का उपस्थित होना भी एक प्रकार का एडवांस कैरेक्टर देखा जाता है। और इसमें सेरेब्रम, पीनियल ग्लैंड, इन्फर्टिलिटी, ये सारी संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ सेरेबेलम भी देखने को मिल रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये सारी संरचनाएं भी उपस्थित हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये सारे इनमें एडवांस कैरेक्टर्स हैं। प्लस इसी के साथ एडवांस कैरेक्टर्स में हम बोलेंगे कि जो ब्लड है वो उनमें भी हमें लाल और सफेद कॉर्पसल्स या कणिकाएं देखने को मिलती है, लाल रंग की और श्वेत रंग की कणिकाएं भी देखने को मिल रही है ब्लड में। तो ये भी एक प्रकार का एडवांस कैरेक्टर हुआ, उन्नत कैरेक्टर हुआ।
ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हम बोल सकते हैं पेट्रोमाइजोन के ये आद्य प्रकार है और ये एडवांस प्रकार के कैरेक्टर्स। अब हम थर्डली बात करेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर्स, ये कुछ स्पेशलिटी भी है इनके अंदर और वो स्पेशल कैरेक्टर्स, वो स्पेशल लक्षण क्या है जो हमें पेट्रोमाइसोम में देखने को मिलते हैं। और फोर्थ बात करेंगे हम डीजनरेटिव कैरेक्टर्स की, जो कि नासिक लक्षण है, ठीक है, जिनका क्या हो गया धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उनमें बिल्कुल ही उनका जो फंक्शन है वो लॉस हो चुका है, फंक्शनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स में बात करेंगे हम कि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड उपस्थित है, ठीक है, और इनमें से क्या रिलीज होता है एंटी कोगुलेंट, ठीक है, और इस एंटी कोगुलेंट के कारण ये जो ब्लड लेते हैं वो क्लॉट नहीं बनने देता, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं आती। तो ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, विशिष्ट लक्षण है कि एंटी कोगुलेंट सब्सटेंसेस को, पदार्थों को ये सिक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक। इसी के साथ इनका जो टंग है उसपे भी टीथ उपस्थित हैं, तो ये भी इनका एक विशिष्ट लक्षण हुआ कि उन टीथ से भी ये कार्य कर सकते। एक और विशिष्ट लक्षण ये देखने को मिला कि इनमें बक्कल फनल या मुख कीप भी देखने को मिलती है, ठीक है, मुख कीप इनमें उपस्थित रहती है और वो हमें देखने को मिलती है। एक और स्पेशल कैरेक्टर जो इनमें हमने देखा वो ये है कि ये किस प्रकार के जंतु हैं, किसी दूसरी बड़ी फिश के साथ रहते हैं, तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये सहजीवी प्रकार के हैं, पैरासाइट प्रकार के जीव, ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं किसी होस्ट से अपना भोजन ले सकते हैं और उस होस्ट को पूरा खराब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक लाइफ जो है वो ये लेते हैं। तो इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। एक और चीज जो यहाँ हमें स्पेशल देखने को मिलती है वो ये है कि डॉर्सल फिन में विभेदन होता है और फर्स्ट और सेकंड डॉर्सल फिन में बदल जाते हैं, ठीक है, बीच में गैप आके वो आगे की तरफ बदल जाते हैं। इसी के साथ इनका जो कार्टिलेज स्केलेटल सिस्टम है वो स्केलेटल सिस्टम में हम देखते हैं कि वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है और इनका जो गिल्स वाला भाग है उसमें हम देखेंगे कि वहां पर भी गिल स्केलेटल रॉड्स जो होती हैं वो उपस्थित रहते हैं, ठीक है, वहां पे आसपास ब्रैंकियल रॉड्स या ब्रैंकियल स्केलेटन सिस्टम उपस्थित रहे। अब हम बात करेंगे नासिक लक्षणों की, तो नासिक लक्षणों में हमने क्या बोला था कि प्रोटोनेफ्रोस जो है उसका नाश हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है, तो मेटानेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ लिवर जो होता है और हेपेटिक डक्ट जो है, यकृत वाहिनी जो होती है वो भी आगे जाते जाते धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर पित्ताशय जो है उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ के चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। स्टमक इनमें बिल्कुल उपस्थित ही नहीं होता है, ठीक है, स्टमक की उपस्थिति यहाँ पर देखी ही नहीं। इसी के साथ पेंक्रियास जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, इनका भी डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, बाकी सारी चीजें वहां पर ऐसे ऐसे उपस्थित रहती है। तो ये वो पोजिशन बता रहे हैं पेट्रोमाइसोम की कि हम कॉर्डेट में इनको रख रहे हैं, तो इनके क्या सामान्य लक्षण हैं, किस तरह से ये एडवांस कैरेक्टर्स भी रखते हैं और एक बिल्कुल आदिम प्रकार के कैरेक्टर्स भी रखते हैं, फिश जैसे हैं, कैसे इनकी बॉडी है, इनमें मसल सिस्टम कैसा है, उस बेसिस पर हमने इन्हें
कोऑर्डिनेट के अंदर प्लेस किया है, कोऑर्डिनेटर ग्रुप के अंदर रखा है। वहीं हम अगर इसके लार्वा की बात करें तो इसका लार्वा साइक्लोस्ट्रोमेटा एमोसीड लार्वा है, वो क्या है, एक तरह से एम्फियोक्सस और साइक्लोस्ट्रोमेटा के बीच की एक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि साइक्लोस्ट्रोमेटा और एमोसीड लार्वा एक कनेक्टिंग लिंक क्यों है साइक्लोस्ट्रोमेटा और एम्फियोक्सस, तो वो चीज हम बता सकते हैं कि इनके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स भी उपस्थित है, दोनों के लक्षण उपस्थित हैं, तो हम मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच का कोई जंतु या बीच की कोई अवस्था हो सकता है, राइट।